हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर फ्री ग्रामर लेस आई एम अगेन विथ यू विथ न्यू टॉपिक तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है सब्जेक्ट एग्रीमेंट सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता क्या है और इसके छह रूल्स क्या होते हैं आइए सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट किसे हम कहते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है याद रखने वाली बातें यह है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल में आएगा सब्जेक्ट को ग्रामेटिकली करेक्ट लिखने के लिए वर्ब को इसके सब्जेक्ट के नंबरों के साथ एग्री होना बहुत जरूरी है हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब ही आएगा आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम देख सकते हैं बास्केटबॉल जो कि सिंगुलर है इसलिए हमने रोल्स जो कि सिंगुलर वर्ब है इसका हमने यूज किया है दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बास्केटबॉल्स। बास्केटबॉल्स प्लूरल प्लुरल है इसलिए हमने प्लुरल वर्ब रोल का हमने यूज किया है आइए अब हम समझते हैं सब्जेक्ट अगर थर्ड फॉर्म में हो तो इसका यूज कैसे होता है अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड की हेल्प से जोड़ते हैं यानी कनेक्ट करते हैं तो वहाँ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब होगा हम तो एग्जाम्पल देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर को एंड की हेल्प से हमने जोड़ा और यहाँ वो जो वर्ब यूज हुआ है वो है आर आर प्लूरल वर्ब है और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ही एंड आई वेयर प्लेइंग ही आई को एंड कनेक्ट कर रहा है वही प्लूरल वर्ब वेयर का यहाँ यूज हुआ है रूल नंबर वन जब भी हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं यहाँ कुछ और एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं वन आइडिया टू द माइंड सेम पर्सन और थिंग किसी के दिमाग से निकला हुआ आइडिया सेम पर्सन और थिंग के लिए हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं जैसे कि यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर ब्रेड और बटर को एन ने कनेक्ट किया हुआ है लेकिन फिर भी हम इसके साथ, सिंगुलर वर्ब इज़ का ही हम यूज करेंगे एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टाइम एंड टाइड के साथ हमने सिंगुलर वर्ब वेट्स का यूज किया है रूल नंबर टू अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को नॉर और, और की हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा एक और एग्जाम्पल सेंटेंस आप देख सकते हैं नीदर फूड नॉर वॉटर वॉज फाउंड देयर फूड और वॉटर को नॉर ने कनेक्ट किया हुआ है और हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज किया हुआ है यहाँ आप एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं इधर द कैट और माउस हैज बिन देर देख सकते हैं कैट पहला सब्जेक्ट है माउस दूसरा सब्जेक्ट जिनको और ने कनेक्ट किया हुआ है इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया हुआ है और कंडीशन हम देख लेते हैं किस तरह से दो सब्जेक्ट्स को नॉर और और के हेल्प से कनेक्ट करने के बाद प्लुरल वर्ब का भी यूज होता है यहाँ एक और एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख सकते हैं नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट सब्जेक्ट वन में सिंगुलर है वही सब्जेक्ट टू में प्लूरल है इस कंडीशन में हम verb are, plural वर्ब आर यानी प्लूरल चलिए अब हम समझते हैं रूल नंबर थ्री अगर सब्जेक्ट्स अलग है और उनको हम और और के हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको कौन सा वर्ब यूज करना चाहिए चलिए अब हम समझते हैं यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं सब्जेक्ट वन में हमने सेकेंड पर्सन और सब्जेक्ट टू में थर्ड पर्सन लिया हुआ है तो इस कंडीशन में हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों आपको यहाँ एक और बात याद रखनी है फर्स्ट पर्सन मतलब आई सेकेंड पर्सन मतलब यू थर्ड पर्सन मतलब ही और सी याद रखिए दोस्तों इधर नीदर ईच एवरी वन मैनी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा यहाँ कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आप देख सकते हैं अब हम समझते हैं रूल नंबर फाइव यहाँ हम देख सकते हैं प्लुरल फॉर्म में नाउन है जिसका सिंगुलर मीनिंग निकल रहा है उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जैसे कि मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल मैथमेटिक्स जो कि प्लुरल फॉर्म में है लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर फॉर्म में है इस कंडीशन में हमने वर्ब इज का यूज किया हुआ है सिंगुलर वर्ब का एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं द न्यूज इज ट्रू यहां न्यूज जो कि प्लुरल फॉर्म में है लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर फॉर्म में है इस सिचुएशन में भी हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया हुआ है हम रूल नंबर सिक्स को देख लेते हैं यहाँ पे नाउन सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल फॉर्म में है तो इस कंडीशन में यहाँ प्लुरल वर्ब का ही यूज होगा जैसे कि हम देख सकते हैं वन डजन कॉस्ट एप्पल कॉस्ट वन थाउजेंड रूपीज यहाँ हमने प्लूरल वर्ब कॉस्ट का यूज किया हुआ है एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं द कपल आर गोइंग आउट दिस वीक यहाँ कपल जो कि सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज किया हुआ है आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में टिल देन बबाई